हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों से मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि सऊदी अरब में आ जाते हैं और सऊदी अरब अगर हाउस डिलीवरी में आते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ता है और आपका सब चीज़ सही हो जाता है उसके बाद रोड पर कैसे गाड़ियाँ चलती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं रोड का नज़ारा है, यहाँ ये हाईवे है 120 वाला, लेकिन हम अभी घुसे ही है, हाईवे के अंदर दाखिल हुए हैं। उस हिसाब से आप इंडिकेटर देखें, उसके बाद आप इंटर हो जाइए हाईवे के अंदर, उसके बाद अपना हिसाब से चलिए 120-110 के आसपास ऐसे चलिए और आराम से। अगर आप नए हैं तो आपको ये जो पहली है ये वाली ना, जिस पे अभी चल रहा हूँ, तो इस पे नहीं चलना। अगर आप नए हैं और ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा यानी आप अभी फास नहीं है सऊदी के बारे में, तो आप सेकंड वाले पे चलिए। जैसे सेकंड वाला ये वाला है, इंडिकेटर दीजिए पीछे देखिए अपने और इस पे चलिए। आप यहाँ पे आप 110-100 भी चल सकते हैं, इस पे कोई आपको पीछे से हरन नहीं मारेगा या आप क्यों नहीं चल रहे। अगर आप फर्स्ट पर चलेंगे या थर्ड पर चलेंगे तो इस पे आपको हरन मार सकते हैं। और जो पीछे बीच वाला जो है सेकंड वाला, इस पे कोई हरन नहीं आपको मारेगा, ये आप ध्यान रखिए। सऊदी अरब में ये कि कोई भी रोड हो, 120 की हो या 80 की हो, तो आपको सेकंड पर चलना है पहले। उस पे कोई हरन नहीं मारेगा कि आप धीमा क्यों चल रहे हो और तेज़ क्यों चल रहे हो। 80 है तो 80 से कम ही चलने का, ज़्यादा नहीं चलने का। सऊदी अरब में आने के बाद ज़्यादा तेज़ नहीं चलना है, क्योंकि दूसरे के देखे मैंने कि वो तेज़ जा रहा है, नहीं, वो उसकी तनख्वाह कितनी है ये सोचिएगा। अगर सऊदी है या कोई भी है, उसकी तनख्वाह, खुद की तनख्वाह सोचिएगा कितनी है, वो तेज़ जा रहा है। अगर उसका 300 रियाल जो जुर्माना आ जाता है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आपका जो तनख्वाह होगी, पहली मरतबा आएंगे 1400-1500, तो आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए किसी को देखते हुए नहीं चलो, खुद अपना सोचिए कि हमारी तनख्वाह इतनी है और हमको इसी में हर एक चीज़ करना है, खाना है, घर भेजना है, तो आप अपना हिसाब से चलिएगा। और लोग यहाँ आके जो चलाते हैं और ध्यान यही चीज़ का नहीं देते हैं, कहाँ कैमरा है, कितने पे चलना है, दूसरा का देख के वो तेज़ जा रहा था, उसके पीछे मैं लगा था इसलिए आ गया, इसीलिए आ जाता है। भाई देख के क्यों चलना, देख के नहीं चलना। कभी भी कोई भी काम देख के नहीं करना, अपने मन का करो, खुद का, और खुद से बेहतर करने की सोचो। कोई भी काम, कोई ड्राइवरिंग नहीं है, कोई भी काम हो अपना खुद से बेहतर करने की सोचो। तो इसलिए ये भी ऐसे है कि किसी के देखने में नहीं चलने का, अपना खुद का जब कोई चीज़ करोगे तो वो खुद का रहेगा। देख के चलोगे, देख के करोगे तो बोलो हमारा नकल किया है, कॉपी किया है। तो इसलिए आप किसी की कॉपी मत करो, अपने हिसाब से कोई भी काम करो तो वो अपने हिसाब से और अच्छी तरह से करो, एकदम कि हाँ लोग बोले कि हाँ ये काम ठीक कर रहा है। और सऊदी अरब में आ जाते हैं, हाउस डिलीवरी करते हैं, यहाँ पे आपका अगर महीने में एक मुकालका आ जाता है, अगर स्पीड का आ गया तो 300 रुपया, कम से कम 300 रुपया। अभी हम ये हाईवे छोड़ने वाले हैं, यहाँ इंडिकेटर दिए और यहाँ से निकल लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे मुखालफा की, और हमारी तनख्वाह है 1500, 300 आ गया कम से कम वाला स्पीड का, अगर नो पार्किंग का है तो 100 है, 150, वो हिसाब से आपका वो आ सकता है जुर्माना। 1500 तनख्वाह है, अगर 300 आ गए तो कितने बचे, 1200। आप खाएंगे क्या, और यहाँ पे खाना और ख़र्चा कितना होगा, फिर कितना भेजेंगे। अगर 300 रुपया कम भेजेंगे तो आपको लगभग 6000 रुपये कम हो जाएंगे। तो इस हिसाब से किसी के चक्कर में आने का नहीं, अपना हिसाब से चलो और बहुत ध्यान से। कुछ ऐसी जगह है तो बहुत, भाई ये नहीं है कि यहाँ सीधे ही चलना है देख के। लोग बोलते हैं यहाँ पे कोई नहीं आएगा, भाई देख के चलो, उसको जैसे वो ना देख रहा हो। जैसे आप सीधा रास्ते पे जा रहे हैं और उधर से कोई आने वाला है, जैसे साइड से या दाएँ बाएँ से, लेकिन आपको जाना है सीधा, तो आपका ही पहले हक बनता है कि आप सीधा जाएं, उसके बाद में ही
दूसरा वो दाएं बाएं वाला जाएगा। लेकिन ये सऊदी हैं, ये भाई अपना इनका देश है, कभी भी खोंस देते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, कोई कोई है अल्लाह के अंदर ही डाल देंगे गाड़ी, तो उस हिसाब से उनको देख के चलना है। तो तुम्हारा पहले वो सीधा चलने का, लेकिन देख के चलने का, क्योंकि वो यहाँ के लड़के और बुड्ढे दो चीज़ से बचना है। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि यहाँ जो लड़के होते हैं, जो नौजवान, वो और जो यहाँ के बुड्ढे होते हैं, वो बहुत भाई ख़राब होते हैं। वो उल्टा ही सीधा गाड़ी चलाएंगे। आप चलाते रहोगे और अगर वो ओवरटेक करने के लिए मांग रहे हैं, भाई जगह नहीं है, तुम नहीं दे रहे हो, लेकिन वो किसी तरह से कर ले, तो आपके आगे ऐसा इतना तेज़ ला के लगाएंगे गाड़ी कि तुम उनको ठोक सकते हो। तो इस हिसाब से अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वहाँ पर बहुत सतर्क सावधान रहना है कि ये निकलेगा तो हमारे आगे रहना, एकदम चौकन्ना रहना है कि कभी भी ये निकल के आगे आ सकता है। तो इस हिसाब से आपको गाड़ी चलाना है। तो ये कुछ जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोगों ने रोड ये देखा होगा कैसा है क्या है, और यहाँ हाईवे से उतरने के बाद ये देखिए कुछ घर ऐसे बने रहते हैं, शुरू शुरू में नहीं समझ में आता है, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाता है। पहली मर्तबा वाले के लिए मैं बता रहा हूँ। और यहाँ नए ड्राइवर भी आ रहे हैं और पुराने भी आ रहे हैं। ज़्यादातर जो डिमांड है वो पुराने की है, लेकिन ऑफिस वाले और एजेंट जिन्हें दलाल कहते हैं, वो पुराने मांगते हैं लेकिन कभी कभी चिपका देते हैं। तो भाई चिपका दे, यहाँ भी अमीर और गरीब है, यहाँ जो वीज़ा निकलता है उसमें भी पैसा लगता है, और जब आदमी मंगाते हैं तो लगभग इनका 5,000 रियाल खर्च हो जाता है अगर ये ऑफिस में भी जाती है तो। और अगर ये किसी को दे दिए ऐसे हाथ में, कोई काम कर रहा है, कोई जान पहचान का है, तो उसको दे दिए तो इनका जो वीज़ा का फीस जो निकलता है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2,000 रुपया होता है। ऑफिस में देते हैं तो वहाँ 3,000 रुपया वो लेता है बुलाने के लिए कि मैं बुला के दूँगा। क्यों लेते हैं 3,000 रुपया? क्योंकि वो यहाँ पे जो निज़ाम है इनका, वो बताते हैं जो आएगा उसका पूरा खर्चा हम लगाएंगे, लेकिन जब आप आओगे तो आप खर्चा लगा के खुद आओगे, वो 3,000 रख लेंगे, और जो तुमसे कमाएंगे इंडिया का 10-20,000 रुपया वो छोड़ के। तो ये ऐसा है यहाँ जो आने का है, तो ये सब ऐसे ही चलता रहता है, ये नहीं है कि हाँ कुछ ऑफिस जो है अच्छी तो वो आपका पैसा बहुत कम लेती है, ना के हिसाब लेती ज़रूर है, ये नहीं है कि नहीं लेती, लेकिन ना के हिसाब। आप लोग आइए हम ड्राइवर में और यहाँ देखिए क्या है कैसा है। आप बहुत दिमाग और हर एक चीज़ अपना कंट्रोल में रखना है, किसी के बातों में नहीं आना है कि ये ऐसा बोल दिया वो ऐसा बोल दिया, तो ऐसा करना वैसा करना। और एक बात मैं इसी में बता देता हूँ भी थोड़ा सा, कि अगर आप यहाँ आ जाएंगे अगल बगल वाले होंगे तो वो क्या बोलेंगे, भाई कहाँ आ गए, इसके यहाँ कैसे फंस गए, इसके यहाँ से तो इतने ड्राइवर भाग चुके जा चुके, कुछ भी बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है, कभी भी कोई कौन कैसा रहता है उस हिसाब से रहता है। जो पहली मर्तबा मैं आया था वो बहुत ख़राब ड्राइवर मतलब कपिल था, तो लोग बोलते ये है वो है, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। उसके पास मैं 4 साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो मेरा कपिल था, मेन कपिल था, वो बुढ़ी थी, अब उसकी उम्र हो गई थी, और उसके पास दो ड्राइवर थे, एक मैं एक दूसरा था। तो भाई दो ड्राइवर वो तो रखेगी नहीं, और यहाँ का निज़ाम चेंज हो गया, उसके बाद में खुद का कपिल अपनी गाड़ी घर की चलवा सकता है। अब वो अल्लाह आलम जाने क्या हुआ, और वो उन्होंने खुरज निहाई लगा दिया, मतलब एग्जिट लगा दिया, मैं चला गया दूसरे वीज़े पे आया, अल्लाह का शुक्र है उससे बहुत बेहतर मिला, उससे मतलब बहुत ज़्यादा बेहतर मिला, बहुत अच्छा है। तो ये सब रहता है, ये नहीं है कि पहले इसके पास ये ख़राब रहा ड्राइवर भागे, भाई ड्राइवर भी ख़राब होते हैं, ऐसा नहीं है ना, उनको जो समझ में नहीं आता है तो बोलते नहीं ठीक है फलाना ढिमकाना है सब ऐसा करते हैं। तो इस हिसाब से आप आइए और आराम से, किसी के कहने में नहीं आना है, अपना खुद का काम करना है। तो
आप लोग आइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक करिए और शेयर करिए। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।